NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा इस्तीफा देंगे? ये सवाल बड़ा है, वाजिब है, क्योंकि कहा जा रहा है राजनीतिक सूत्रों की माने तो मदन मोहन झा पर इस्तीफे का नैतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रेशर में है मदन मोहन झा, और प्रेशर की वजह यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस की करारी हार हुई है, राहुल गांधी अमेठी में हार गए जो उनकी पारंपरिक सीट थी, और दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की बुरी हार हुई लोकसभा चुनाव में। बिहार में कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत सकी, वो भी किशनगंज की सीट जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, और कांग्रेस कई सालों से अपराजय रही है, कभी नहीं हारी है, तो वो सीट कांग्रेस के हिस्से में आई। बिहार में बाकी सारी सीटें कांग्रेस हार गई, तो इसको लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है मदन मोहन झा पर इस्तीफे का, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के जो कांग्रेस प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और बिहार के जो सह प्रभारी थे वीरेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इन इस्तीफों ने असमंजस बढ़ा दी है, मुश्किलें बढ़ा दी है मदन मोहन झा की, और उन पर नैतिक दबाव बढ़ा दिया है इस्तीफे का, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए ये कयास लग रहे हैं कि मदन मोहन झा जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस का कह सकते हैं सूपड़ा साफ हो गया है, सिर्फ एक सीट जीत पाई, हमने आपको पहले ही बताया। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला, महागठबंधन में शामिल जो दूसरे दल थे रालोसपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उन दलों के अध्यक्ष भी अपने अपने अपनी अपनी सीट हार गए, और बाकी जो सीटें उनके हिस्से में मिली थी वो सीट भी वो नहीं जीत पाए। तो बुरी हार हुई बिहार में महागठबंधन की, और महागठबंधन की बुरी हार के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, नतीजे आने के बाद उसका इम्पैक्ट दिखने लगा है सभी दलों में। आरजेडी में कलह तेज हुई, आरजेडी के कई नेताओं ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए, इस्तीफे का दौर चला, बयान सामने आए। कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति रही, कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, हमने नाम बताए आपको। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया, सह प्रभारी ने जो वीरेंद्र सिंह राठौर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधायक ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफों का दौर चला, और खबर अब ये आ रही है राजनीतिक गलियारों से, राजनीतिक सूत्रों की माने तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर में हैं, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।